Restrictions are stipulations. Stipulations क्या होती है? Imposed that specify how resources must be used. External restrictions are imposed from outside the NPU, usually by the contributor of resources. Internal restrictions are imposed in a formal manner by NPU itself, usually by resolution of board of trustees. नॉर्मल वर्ड क्या है इस केस में? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. ये तो आई होप कि पुरानी बात है. नेक्स्ट पे कहते हैं देयर आर टू मेथड्स ऑफ फंड अकाउंटिंग. ये हमारे क्वेश्चन में फंड आते रहे हैं, तो इनको रिकॉर्ड करने के इसमें दो तरीके हैं. बोले क्या क्या नाम लिखे हैं? मेथड दो है, लेकिन उनमें से जो सेकेंड मेथड है ये आपके सिलेबस में नहीं है. तो जो हमने मेथड जिससे क्वेश्चन सॉल्व किए वो कौन सा ही मेथड था? डेफर से डेफरल निकला. इनकम पहले डेफर कर देते हैं, फिर बाद में से इनकम बनाते हैं. मेथड्स दो हैं, कौन कौन से? डेफरल, एनपीओ की काउंटिंग करनी है तो डेफरल भी है और रिस्ट्रिक्टेड फंड है. आपके लेवल पे सिर्फ डेफरल मेथड ही है और उसी को नीचे आप एक्सप्लेन किया हुआ. अब नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट पेज है उसके बाद दो पेजेस पे ना टेबल बना हुआ. ये टेबल को हमने अप्लाई कर लिया हुआ है क्वेश्चंस में और देन उसको पढ़ के आप देखिए एक दफा फाइनल करना है कि अगर कोई थोरेटिकली को आपको पूछ लिया जाए कि किसका क्या होना है तो आपको आइडिया उसका होता है. तो क्वेश्चन पहले इसलिए मैंने करवाया ताकि स्ट्रेट अवे इंग्लिश पढ़ना थोड़ा मुश्किल था. अब क्वेश्चन क्योंकि हमने किए हुए हैं इसलिए प्लीज जहाँ जहाँ कहीं जरूरत पड़े वहाँ वहाँ फिर हम जाएंगे. तो क्या पढ़ने लगे हम? रेवेन्यू रिकॉग्निशन डेफरल मेथड. बड़ा सॉरी, पेज नंबर 287 है. When NPO uses the दो तीन लाइन जरा और पढ़ के इकट्ठा करें. When an NPO uses fund accounting in their financial statements without following the restricted fund method, contributions will be accounted for deferral method. The contributions and related income are recognized as follows. एक उंगली रख लीजिएगा पेज नंबर 290 पे. 290 पे अब जरूरत पड़ेगी तो 291. अभी टेबल बना इस तरह से, वो एक हेडिंग है पहले कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रही है. नेक्स्ट पे लिखा हुआ नहीं मतलब हेड कॉलम्स, इस जितने आगे कॉलम आएंगे उनमें कंट्रीब्यूशंस का जिक्र होगा. नेक्स्ट फिर उनका क्या करना है और उसके बाद फिर उसकी एंट्री लिखी हुई है. तो एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन अगर हो तो अगर आप मेरी तरफ देख के बताएं, अगर एंडोमेंट के पैसे मिले हैं तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे, लाइब्रेटीज में लेके जाएंगे या स्टेट अवे स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स में ले जाएंगे. पेज नंबर 290 देखें. पेज नंबर 290 पे नीचे जो पॉइंट नंबर 2 है उसकी पहली लाइन पढ़ें. ये सपोर्टिंग यंग टैलेंट की जो कंट्रीब्यूशन थी एंडोमेंट की थी, ऊपर पॉइंट नंबर 1 में देख लो तो उसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, ये पैसे कहाँ जाने? ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में जाता. तो क्या एंट्री बन रही है अगर कैश आया हो? हाँ जी, एंडोमेंट फंड क्रेडिट इन स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स. रजिस्टर खोल रखा है जरा साहब, रजिस्टर में जरा इस पीएससी वाले सवाल का आंसर साफ रखिए. इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहूँ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, नेट एसेट्स में कहूँ तो वहाँ जाएगा, लाइब्रेटीज में कहूँ तो वहाँ जाएगा. स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स क्यों नजर, उसमें कहीं आपको ये 15 नजर आ रहा, किस कॉलम में नजर आ रहा, क्या एंट्री नजर आ रही है? कैश डेबिट एंडोमेंट फंड क्रेडिट इन स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स. वापिस आए पेज नंबर 27. तो एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन का क्या होना है? रिकॉग्नाइज एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स इन करंट पीरियड एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स. आगे इसकी एंट्री पढ़ें पहले. कैश डेबिट हो गया, एंडोमेंट फंड क्रेडिट हो गया, कहाँ जाके? इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स. देन नीचे जरा ब्रैकेट में एक इसकी रीजन लिखी हुई है तो जरा पढ़ के रिवाइज कर लेता हूँ. एंडोमेंट कंट्रीब्यूशंस विल नेवर बी अवेलेबल टू मीट द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस. ये वैसे क्या होती है एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन?
इसका कैपिटल इंटैक्ट रहना है, कैपिटल यूज नहीं करना, उस पर जो कमाई होगी वो यूज होगी, तो इससे इंटैक्ट रहना है कैपिटल की तरफ. देयरफॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग डिफरेंट मेथड वुड एक्सक्लूड सच कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रेवेन्यू अवेलेबल फॉर करंट एक्सपेंसेस बाय रिकॉग्नाइजिंग देम एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स. तो रीजन है इसकी बजाय कम अज कम क्या जहन में रहना चाहिए कि अगर एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन है तो वो किधर जानी है, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट. सेकेंड आ जानी चाहिए रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन. बल्कि इससे अगर अगर आगे हाथ रख लें दोनों कॉलम्स पर, सिर्फ पहला कॉलम देखा जरा, पहला पहला कौन सा है, सिर्फ पहला पूरी कोशिश करें, हाथ इधर उधर ना हो. रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंसेस ऑफ करंट पीरियड, नहीं मतलब ये एक नई हेडिंग है, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंसेस ऑफ करंट पीरियड, इसका क्या होना चाहिए? ये रिस्ट्रिक्टेड तो है लेकिन इसका फायदा बस करंट ईयर है, तो इसे सीधा कहाँ लेके जाना चाहिए? इनकम में लाना चाहिए, करंट ईयर के खर्चों के लिए. तो क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कंट्रीब्यूशन इनकम सीधी क्रेडिट. कहाँ नजर आएगी आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नजर आएगी. है तो रिस्ट्रिक्टेड लेकिन है करंट ईयर, रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन है करंट ईयर. तभी हाथ ना उठाएगा, अभी एक और पढ़ना है. नेक्स्ट लिखा हुआ रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर नेक्स्ट पेज एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूचर पीरियड, इसका क्या होना चाहिए? इसे डेफर होना चाहिए और जब वो फ्यूचर में खर्चे होंगे तब इसे इनकम बनाना चाहिए. अगर वक्ती तौर पर हाथ उठाए और पिछले पेज पे वापस आए, फॉर करंट पीरियड एक्सपेंसेस का क्या होना चाहिए? रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू इन द करंट पीरियड इनकम एक्सपेंडिचर में. एंट्री बन गई कैश डेबिट. रेवेन्यू लिखा हुआ है वैसे, रेवेन्यू लिखा सिंपली, लेकिन रेवेन्यू मीन्स कंट्रीब्यूशन इनकम. अगर कंट्रीब्यूशन इनकम साथ लिखा हुआ, कंट्रीब्यूशन इनकम कहाँ नजर आएगी फिगर आपका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम्स में. जी ऑनर स्टूडेंट्स, बात ठीक है? और दूसरा पढ़े जो एंड में पढ़ा था 287, अगर रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है लेकिन फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस है, डेफर कर दे लाइबिलिटी के तौर पर, रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू इन द सेम पीरियड एज द रिलेटेड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज. कल वो क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने घर के लिए कहा था, रिसर्च नहीं मिला, रिसर्च फंड था, कब इनकम बना रहे थे सर? जब वो खर्चा हो रहा था. जिमनेजियम ढूंढने था अपने रजिस्टर में, जिमनेजियम आया था पीएससी वाले सवाल में, 68 - 68 ऐसे ही हो रहा था. तो अगर फ्यूचर ईयर्स के लिए है तो फिर डेफर कर दें, और अगर करंट ईयर के लिए है तो फिर इनकम बना लें. पेज नंबर 288 पे आ गया. इसी के नीचे थोड़ी और एक्सप्लेनेशन है ये फ्यूचर पीरियड वाली, थोड़ा सा इंग्लिश का मैंने आपसे कहा था और टेस्ट है हमारा. व्हेन द ओनली रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंट्रीब्यूशन इज दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड अंटिल अ पर्टिकुलर फ्यूचर पीरियड. अगर आपको किसी ने कंट्रीब्यूशन दी है लेकिन रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ये है कि आपने 2022 में पैसे मिले हैं, आपने इस्तेमाल 25 में करने हैं. When the only restriction on the contribution is that it cannot be used until a particular future period. बताएं क्या करना चाहिए? Defer करके क्या करना चाहिए? जिस साल से related है उस साल income बनाना है. तो ये अब ये शायद मसला नहीं कि उस साल खर्चा हुआ या नहीं हुआ. अगर उस साल को खर्चा नहीं भी हुआ तो उस साल income उसे बना लेना. इस तरह की एक example आई हुई है पेज नंबर 279 पे आ गया. पेज नंबर 279 के एंड पे एग्जांपल्स में बी पार्ट पढ़ेंगे. बताएं क्या ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है? 279 एग्जांपल बी पॉइंट, क्या रिस्ट्रिक्शन है? 14-15 से रिलेटेड है तो 14-15 में बस इनकम ना, रिस्ट्रिक्टेड है डेफर करेंगे, और 14-15 में अगर दो सालों से रिलेटेड है शायद डिवाइड बाय 2 कर लेंगे. अगर सिर्फ 14 के लिए होती तो उसी साल इनकम बना लेते. तो व्हेन ओनली रिस्ट्रिक्शन, अरे पढ़ना पड़ा पूरा. व्हेन द ओनली रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंट्रीब्यूशन इज दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड अंटिल अ पर्टिकुलर फ्यूचर पीरियड द टोटल अमाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन दैट फ्यूचर पीरियड वेदर और नॉट इट हैज बीन स्पेंट. फॉर एग्जाम्पल कंट्रीब्यूशन फॉर अ थर्ड फ्यूचर पीरियड आज मिली है और कहा है तीसरे साल से रिलेटेड है, तो आज क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट, डेफर क्रेडिट, डेफर लाइबिलिटी क्रेडिट,
डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट, और 3 साल बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज पे आप है सी पॉइंट, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, मीनिंग कंट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन किस लिए रिस्ट्रिक्टेड है? कैपिटल एसेट से मुराद नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल एसेट नहीं, नहीं दोनों हो सकते हैं. कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और इट कैन बी फॉर अ डेप्रिशिएबल एसेट एंड इट कैन बी फॉर अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट. तो आगे जब आप पढ़ेंगे सी से आगे, तो पॉइंट वन भी है उसके नीचे फिर पॉइंट टू भी है. तो पॉइंट वन में लाइन क्या है, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, छोड़ दें बाकी नीचे आएगा. टू में क्या लिखा है, इन केस ऑफ, तब इस वक्त हम रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे और फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट. अच्छा ये दोनों चीजें हमारे क्वेश्चन में आई हुई है, मेरे साथ साथ रहिएगा. पहले पढ़े इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स, मेरी तरफ जरा देखें, आपको पता है फिर क्या करेंगे, इसको भी डेफर करेंगे. और जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट करेंगे वैसे वैसे इनकम बनाएंगे. उसी तरह नंबर वन, जिस तरह आपने मेहताब में, मेहताब ढूंढे रजिस्टर में, मेहताब कौन सा वाला ढूंढेंगे, जो क्लास में किया है घर वाला किया, क्लास वाले पे के ऊपर ही घर में जाके दोबारा पेन तो नहीं फेरा, वो भी नहीं किया राणा साहब, वो भी नहीं किया दोबारा, तो क्या लिखना था वो भी नहीं किया. मेहताब वाला वही आंसर ढूंढने जो क्लास में किया था, घर वाला रजिस्टर घर रह गए. नहीं क्लास वाला तो निकाल लेना है, इतनी मेहरबानी प्लीज क्लास वाला प्लीज यार क्लास वाला. ये किससे का बात हो रही है, ये ढूंढेंगे कहीं कहां, हॉस्पिटल फंड, हॉस्पिटल फंड, हॉस्पिटल को कितने मंथ्स डेप्रिशिएट किया था, अकॉर्डिंगली 9 मंथ्स इनकम बनाया. चमकार ढूंढे पीछे, चमकार इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट पूरा साल यूज किया था, पूरा साल डेप्रिशिएट किया था, पूरा साल पर इनकम बनाया. नहीं बर्न वार्ड अभी वर्क इन प्रोसेस थी इसलिए उसका शुरू नहीं हुआ था, उसके कब तक इंतजार हो रहा था, बर्न वार्ड कंप्लीट हो जाए बना ले. बर्न वार्ड नहीं, हाँ मेडिकल इक्विपमेंट था इसमें, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल नहीं मेहताब नहीं, ये चौंकार मेहताब में हॉस्पिटल है, चौंकार में था ये मेडिकल इक्विपमेंट. अब पढ़ ले जरा प्लीज वापस आगे. In case of depreciable asset, defer as liability and recognize as revenue on the same basis as the depreciation, amortization expense to the acquired capital asset. Kya entries bani? Deferred revenue, deferred contribution, or deferred contribution debit, contribution income. Ye revenue word likhe hain, agar ise aap contribution likhna chahe bhi theek. Asset revenue kehte kaise? इनकम ही होती है, नहीं 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 रेवेन्यू, हाँ करंट ईयर की इनकम, इनकम ही करंट ईयर ही है, लेकिन डेफर वर्ड लग गया तो फिर क्या फर्क पड़ता. नहीं डेफर लग गया तो फिर इसका मतलब पोस्टपोन होगी, लायबिलिटी बन गई, डेफर इनकम लायबिलिटी है. सिर्फ इनकम वर्ड मींस प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है, डेफर लायबिलिटी है, आगे जाके इनकम बना. देन अरे पॉइंट नंबर टू में, इन केस ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, हाँ जी लैंड. अब ये पहले जरा ढूंढ ले पेज नंबर 290 बना, पेज नंबर 290 इसका पॉइंट नंबर टू, तीसरा पॉइंट कंट्रीब्यूशन टू एक्वायर फ्री होल्ड लैंड. अपना रजिस्टर ढूंढे, अपने रजिस्टर में इसके आंसर में ढूंढे ये 12 कहां गया, ये डेफर इनकम क्यों नहीं बना था, देख के देख के देख के देख. अब इसने डेप्रिशिएट नहीं होना था, लैंड लॉन्ग टर्म है इसका, इसने बाद में डेप्रिशिएट नहीं होना, तो रादर देन के पहले हमने इसे लायबिलिटी में रखे फिर वहां पड़ी रहे. ये भी बिजनेस के लॉन्ग टर्म पैसों की तरह जिस तरह कैपिटल होता है, तो इसको जरा देखें सीधा कहां लिखा था, इसे हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में लिखा था और कैपिटल फंड का फिर कॉलम बना दिया था, लैंड फंड शायद. एंट्री देख के बोले लैंड फंड क्रेडिट, सीधा लैंड फंड कहा, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, आई पढ़ के देखें 12 ओपनिंग नहीं था. तो इन केस ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट रिकॉग्नाइज एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स, आगे पहले एंट्री देख लें
कैश डेबिट, कैपिटल एसेट फंड क्रेडिट, इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, बाकी पिछले बॉक्स में वापस आके जरा ब्रैकेट पढ़ना। इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल टू मैच द कंट्रीब्यूशन विद द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड सिंस दीज बेनिफिट्स आर अनलिमिटेड, देयरफॉर सिंपली रिकॉग्नाइज एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट। इसमें ऊपर वाले में क्या फर्क है? पॉइंट वन डेप्रिशिएबल एसेट अगर है तो साथ साथ इनकम बन जाएगा, लेकिन अब इसने डेप्रिशिएट नहीं होना, इसलिए फिर इसे अल्टीमेटली सीधा वहीं ले जाए जहां इसे जाना। चलो आगे, देन कौन सी हेडिंग आ गई लेफ्ट साइड पे? अच्छा, अभी यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ डेट का मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन, ये भी एक छोटी सी एग्जांपल आई थी, लेकिन कुछ बातें नहीं हुई थी लेकिन हमें पता। रिलैक्स, ये लाइन का वर्ड्स का मीनिंग क्या? रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, मिले पैसे हैं कंट्रीब्यूशन के तौर पे, पैसे मिले हैं, क्यों मिले हैं? लोन वापस करने के लिए, कोई हमने लोन लिया होगा लेकिन किसी ने कहा यार ये लोन वापस करें, क्या हो गया आप लोगों को, तो उसने कंट्रीब्यूशन दे दिया। अब लोन क्यों लिया है ये डिटरमिन करेगा कि कंट्रीब्यूशन का क्या करना है। तो इसमें 1, 2, 3 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ो, इन केस डेट वॉज इंकर्ड टू फंड एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूचर पीरियड, मेरी तरफ देखें बताएं क्या करें? डेफर करेंगे और पूरी बात करेंगे और फिर बाद में इनकम। ये लोन लिया था फ्यूचर के खर्चों के लिए, तो फिर इस कंट्रीब्यूशन का पहले डेफर करेंगे फिर इनकम बनाएंगे। पढ़ेंगे, इन केस ऑफ डेट वॉज इंकर्ड टू फंड द एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूचर पीरियड, डेफर एंड रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू इन द सेम पीरियड एज द रिलेटेड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज। एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट, और फिर जब इनकम बनेगी तो डेफर्ड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट, क्या हो गया? कैश क्यों क्रेडिट लाना करे, इतनी मुश्किल से पैसे आएंगे। पॉइंट नंबर टू, इन केस डेट वाज इंकर्ड टू फंड द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, लेकिन फॉर एग्जांपल डेप्रिशिएबल, अब क्या करेंगे सोचो? अब डेफर करेंगे और डेप्रिसिएशन के साथ साथ इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। डेफर एंड रिकॉग्नाइज एज इनकम एज रेवेन्यू, सॉरी रेवेन्यू इनकम ऑन द सेम बेसिस एज द डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस रिलेटेड टू द एक्वायर्ड कैपिटल एसेट। अगर फॉर एग्जांपल ये नॉन डेप्रिशिएबल के लिए हो रहे, अगर ये नॉन डेप्रिशिएबल के लिए हो जाए तो पॉइंट नंबर थ्री पढ़े फिर, इन केस डेट वाज इंकर्ड टू फंड द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट व्हिच इज नॉन डेप्रिशिएबल, फिर क्या होना चाहिए? फिर डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स, कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट लैंड फंड। अगर ये पैसे इसलिए आए थे ताकि कोई लैंड खरीदनी है, अगर लोन इसलिए लिया था कि लैंड खरीदनी है और अब किसी ने पैसे दिए कि ये लोन वापस करें, तो उस कंट्रीब्यूशन को सीधा वहां लेके जाए जहां नेट एसेट की स्टेटमेंट है लैंड फंड की तरह। नंबर फोर, अब अदरवाइज का मतलब लिखा हुआ है, अब अदरवाइज का मीनिंग यहाँ क्या होगा? अगर इनके अलावा क्या मिला है, इनके अलावा क्या मतलब इनके अलावा? हाँ जी, कोई लोन था जो इनके अलावा, तो फिर उस लोन का क्या कर, उस लोन की कंट्रीब्यूशन का क्या कर? वो कहता फिर उसे इनकम बना ले। अब इसके अलावा क्या हो सकता है? जरा पेज नंबर 290 पे है, मतलब जरा इस तरह या फिर इस तरह 288 पे दोबारा जाए, ये हो क्या क्या गया? नहीं नहीं, लोन रीपेमेंट हो रही है, कौन सा लोन? जो फ्यूचर के खर्चों के लिए था। नंबर टू, कौन सा लोन? जो डेप्रिशिएबल एसेट के लिए था, जो कैपिटल एसेट के लिए था। अब अदरवाइज एक आ गया, अदरवाइज में यही शायद रह गया, पेज नंबर 290 पे इसकी आखिरी लाइन पढ़ो, कंट्रीब्यूशन टू दैट वॉज टेकन टू फंड द, तो इसका क्या करेंगे सोचो? इसको सीधा इनकम के बना लेंगे, करंट ईयर के खर्चों के लिए था। तो अदरवाइज का मतलब अगर फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए नहीं है, कैपिटल एसेट के लिए डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल के नहीं है, तो फिर उसका क्या करें पड़ा? रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू इन इनकम एन एक्सपेंडिचर। तो इसकी एग्जाम्पल में मेरा ख्याल है ये पेज नंबर 290 वाला आखिरी ठीक है, ठीक है ना यार? ये क्या कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, लोन की बात हो रही है? कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, लेकिन किसके अगेंस्ट मिली है? लोन की वापसी के लिए मिली है। तो लोन किस लिए लिया था ये डिटरमिन करेगा कि उससे रिलेटेड कंट्रीब्यूशन का क्या करना है। एनी कंफ्यूजन नहीं फाइनली? कौन सा पेज आ गया? 289 आ गया, पर कौन सी हेडिंग लिखी रहेगी? अनरिस्ट्रिक्टेड का कंट्रीब्यूशन का बताया क्या होना चाहिए? जैसे ही मिले तो क्या एंट्री कर लो? कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन इनकम।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स इनकम भी जिक्र आ चुका है, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम ब्रैकेट में जा रहा है, इंक्लूड्स रेवेन्यू फॉर एग्जांपल रेंट इनकम, कहाँ से रेंट इनकम, तो बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, गेन और लॉसेस ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो शेयर्स खरीदे हुए थे बेचने पे गेन हो गया लॉस हो गया, इफ इन्वेस्टेड इफ अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन, मतलब ये गेन लॉसेस ऑन इन्वेस्टमेंट्स कब हो सकते हैं, अगर कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स में, तब इन्वेस्टमेंट इनकम का क्या किया हमने, जरा दोबारा 290 पेज पर है, 291 नहीं इनकम नहीं बनाया, वंस अगेन यहाँ पॉइंट नंबर फोर पढ़े, पॉइंट पेज नंबर 291 पे पॉइंट नंबर फोर, अगर एंडोमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इनकम थी तो दोबारा अपना आंसर देखा जरा, देख ले देख ले देख ले, एंडोमेंट से रिलेटेड अगर आठ छ छ जरा ढूंढने जरा स्टेटमेंट अपने टेस्ट में, एंडोमेंट कॉलम में छह नजर आएगा, हाँ जो अदर इन्वेस्टमेंट इनकम है वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती है, तो पेज 144 पे सॉरी 291 पे जो पॉइंट फोर है उसको तो पिछले पेज से लिंक करें पेज 290 पे, उसमें टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट इनकम ढूंढे, पॉइंट नंबर फोर 144 है, तो 144 का फिर क्या किया होगा आप लोगों ने, छह जो है वो स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स में और 138 जो है फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इसको जरा ज़हन में रख के बाद जरा पढ़ लेते हैं, अब इसमें पॉइंट नंबर वन आ रहा है, पॉइंट नंबर वन टू थ्री है, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट इनकम दैट मस्ट बी एडेड टू द प्रिंसिपल रिसोर्सेज हेल्ड फॉर एंडोमेंट का क्या करें, और रिकॉग्नाइज्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स, एंट्री क्या बनी कैश डेबिट एंडोमेंट फंड क्रेडिट छह से, आपके सवाल के मुताबिक सीधी कहा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, उसके नीचे जो पॉइंट नंबर टू आ रहा है ये अभी हमारे क्वेश्चंस में कहीं नहीं आया लेकिन सुबह से पढ़ लेते हैं, अगर कोई अदर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट इनकम होती और उससे रिलेटेड खर्चे भी होते तो रिकॉग्नाइज एज पर द टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, का मतलब ये है कि कोई अगर कोई भी अदर रिस्ट्रिक्शन अगर लगी है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ हम बात कर सकते हैं, पेज नंबर अपने रजिस्टर में ढूंढे पीएससी का आंसर, इसमें जरा ढूंढे डेफर्ड जिमनेजियम ढूंढे लाइब्रेटीज में, जिमनेजियम का 115 ढूंढे क्या था, ढूंढने कहीं जरा ढूंढ तभी ढूंढिएगा सर, सर सर गुम गया सर, जरा 115 ढूंढ के बताइए क्या, 115 ओपनिंग था, दो ढूंढे गए, दो और मिला था, अगर फर्ज करें ये 117 जो मिला टोटल हो गया ये कहीं इन्वेस्ट हुआ होगा और कोई इस पे इनकम हो जाती तो वो भी फिर इसी में प्लस हो जाना था, लेकिन आपको माइनस क्या नजर आ रहा है, फिर खर्चा माइनस हो जाना था, अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाती इस पे तो हमारे क्वेश्चन में नहीं तो फिगर नहीं तो वो इसमें ऐड हो जाती और फिर जो खर्चा है वो माइनस होकर यहाँ से इनकम बन जाती, नहीं वो फिर इसमें प्लस हो जाती और अदर इनकम ही बन रही है, अभी गौर से दोबारा देखें 68 जो माइनस हो रहा है इसकी एंट्री बताएं, फंड डेबिट हो रहा है और एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, तो यही तो असल में अदर इनकम की बजाय एक्सपेंस बैठा हो रहा है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट इनकम है पहले डेफर्ड का पार्ट बन जाती और एक्सपेंस में से तब नेट ऑफ होती जब वो एक्सपेंस होता, तो 68 एक्सपेंस नहीं है, 68 क्या है वो इनकम है जो लाइबिलिटी में से माइनस हो रही है, 68 जरा ढूंढे इनकम एक्सपेंडिचर, वहां 68 पहला वाला क्या है, ये खर्चा है, जितना खर्चा हुआ उतना फिर वहां से निकाल के यहाँ लिखा, तो इनकम को डायरेक्टली नहीं लिखना, जिस तरह दो भी इनकम है जरा दो ढूंढे, ये दो इनकम ही है लेकिन डेफर हुई है, क्या इस दो ने सोच के बताइएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना आना है लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, 115 ने भी आना है, दो ने भी आना है लेकिन अभी नहीं, कब जब खर्चा होगा, वैसे तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाती तो वो भी इसमें जमा हो जाती है, आना उसने भी है लेकिन कब आता, जब उसने जब रिलेटेड एक्सपेंस होगा, ये पूरी अमाउंट आनी है 117 लेकिन कब आनी है, जब एक्सपेंस होगा, जब एक्सपेंस होगा रिलेटेड तो उसने मैच होना उसके साथ, तो अगर इन्वेस्टमेंट इनकम इससे रिलेटेड होती तो वो भी इसमें प्लस हो जाती और देन फिर वो इनकम तब बनती जब एक्सपेंस होना, ठीक है, इसका मतलब फिर ये हुआ, अब वापस देखें तो पॉइंट नंबर टू,
अदर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट इनकम अगर कोई होती आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन, का मतलब कि जिस तरह की रिस्ट्रिक्शन है फिर उसके मुताबिक ही काम होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टमेंट इनकम होती किसी ऐसी कंट्रीब्यूशन पे, क्या वर्ड बोले जरा बोले रिस्ट्रिक्टेड। नहीं, मैंने क्या बोला दोबारा बोले। अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम होती किसी ऐसी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन पे जो सिर्फ इसी साल की है, तो बताएं फिर क्या होता है? फिर वो प्रॉफिट लॉस में आती, फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती। लेकिन अगर वो डेफर हुई भी है तो फिर ये भी वहां चली जाती है और तब आती इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब वो एक्सपेंस होना है। तो यहाँ मतलब ये यह है कि उसने एक्सप्लेन नहीं किया, तो सिर्फ ये कहा कि इसके अलावा अगर कोई और एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड होगी तो उसका वही करेंगे जो उसका अपना होता है, उसकी इनकम का वही करेंगे जो उसकी कंट्रीब्यूशन का होता है। अगर कंट्रीब्यूशन डेफर होती है तो इनकम भी डेफर हो जाएगी, और अगर कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट लॉस में जाती है तो इनकम भी प्रॉफिट लॉस में चले जाएगी। डेफर कौन सी होगी और प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी आएगी? करंट ईयर से रिलेटेड है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगी, और अगर डेफर हुई होगी कोई डेप्रिशिएबल एसेट की है, कोई फ्यूचर एक्सपेंसिस की है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम भी फिर उसी में जमा होता है। क्या उसे आना नहीं है? कब आना है? कब आना है? जब उसे रिलेटेड एक्सपेंस इनकर होगा। इन केस देर इज नो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, अगर अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं और उस पर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई है तो रिस्ट्रिक्शन ही कोई नहीं है, तो फिर क्या करें? सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएं। जिस तरह दोबारा अपना आंसर देखें या पेज नंबर 290 देख सकते हैं, 144 में से 6 माइनस किया, बाकी क्या बचा? अपना बचा कुछ नहीं पता, तो सीधा 138 ढूंढे कहाँ आया होगा। देख रहे देखें अपने आंसर में, देखें कहाँ आया। ठीक है सर। देन उसके नीचे एक लाइन आ गई, वो कहता है डेफर्ड कंट्रीब्यूशन बैलेंस शुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आउटसाइड नेट एसेट्स एज लायबिलिटी। अपना आंसर देखें पेज नंबर 290 वाले क्वेश्चन का। डेफर्ड ढूंढने कंट्रीब्यूशन है कि नेट एसेट्स के अंदर आ रही है, नेट एसेट्स के बाहर आ रही है? ये नेट एसेट्स किसे कहा है? उसे फंड बैलेंसेस, फंड बैलेंसेस से अलहदा आ रही है, लाइबिलिटीज में। तो डेफर्ड कंट्रीब्यूशंस को फंड बैलेंसेस के अंदर लिखना है या फंड बैलेंसेस के बाहर लायबिलिटीज में लिखना है? लायबिलिटीज में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी वजह से ये किया। आखिरी पॉइंट, एलोकेशन ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। ये वाली बात दो तीन जगह आ चुकी है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिस एलोकेशन शेल बी रिपोर्टेड एज इंटर फंड ट्रांसफर। समझ आते हैं सेंटेंस? ये अपना आंसर देखें जरा, पीएससी वाला स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स निकाला। इसमें दो अमाउंट्स की बात हो रही है, एक तीन ढूंढना है एक पांच ढूंढना है। तीन की एंट्री बोलो जनरल फंड डेबिट, पॉपुलर लीग फंड क्रेडिट। इंटर फंड ट्रांसफर है यार, फंड्स के अंदर ट्रांसफर है। पांच वाली एंट्री बोलो यंग टैलेंट फंड क्रेडिट। तो आप जरा आगे पढ़े पेज पे 289 पर क्या एंट्री बनी? अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, जनरल फंड डेबिट, रिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब एंडोमेंट फंड क्रेडिट। एक जनरल एंट्री लिखी। मेहताब वाले सवाल में भी आई है एंट्री, मेहताब का आंसर ढूंढना था। ये सरप्लस में से ट्रांसफर हुआ, ढूंढे 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 जनरल फंड डेबिट, सरप्लस कह लें या जनरल फंड डेबिट एंड रिसर्च फंड क्रेडिट। रिसर्च फंड रिस्ट्रिक्टेड फंड में चला गया। ठीक है। अब इस पेज की सिग्निफिकेंस ये है कि इसको जब भी कभी पढ़े तो इसी तरह पढ़े जैसा हमने पढ़ा। हमने कैसे पढ़ा? साथ रिलेट करके पढ़ा, और आई होप कि कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है या है।